पनवेल बाहेर अत्यावश्यक सेवेसाठी जाणाऱ्यांची कामाच्या ठिकाणी राहण्याची सोय करा, अन्यथा 3 मे पासून पनवेल मधील कोरोना बाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता मेडिकल वगळता सर्व सेवा बंद करू असा इशारा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शासनाला दिला आहे. पनवेल मधून मुंबईला अत्यावश्यक सेवेसाठी जाणाऱ्यांमुळे पनवेल महापालिका हद्दीसह ग्रामीण भागातही कोरोनाचे संक्रमण होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. या संदर्भात भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मुंबईला अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांची कामाच्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी केली होती. ही मागणी पनवेलकरांसाठी महत्वपूर्ण असून शासनाने याची अंमलबजावणी केल्यास पनवेल मधील कोरोना बाधितांच्या वाढत्या संख्येला खीळ बसू शकते. परंतु अजूनही शासनाकडून या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, त्यामुळे पनवेल मधील कोरोना बाधित रुग्ण हे दिवसेंदिवस वाढत असून बुधवारी पनवेल महापालिका हद्दीमध्ये 7 तर ग्रामीण भागात 1 अशा एकूण 8 रुग्णांची भर पडली आहे. त्यामुळे या संदर्भात शासनाने जर लवकरात लवकर दखल घेतली नाही तर पनवेल मधील कोरोना संदर्भातील परिस्थिती ही आटोक्याबाहेर जाईल अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी 3 मे रोजी केंद्र शासनाच्या लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर राज्य सरकारने पनवेल परिसरातून मुंबईत अत्यावश्यक सेवेकरिता जाणाऱ्यांची काही व्यवस्था केली नाही तर पनवेल महापालिका क्षेत्रातील मेडिकल वगळता इतर सर्व सेवा बेमुदत काळासाठी बंद करण्यात येतील असा इशारा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिला आहे. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अधिक माहिती मल्हार टीव्हीला दिली आहे. पनवेल तालुका और खास करके पनवेल महापालिका के क्षेत्र में कोरोना का फैलाव बढ़ता जा रहा है. हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में और कल यानी 28 तारीख तक पूर्ण रूप से कोरोना के 24 मरीज ठीक भी हो चुके हैं. ये हमारे लिए खुशी की बात है. पर आज भी 32 पेशेंट अभी भी एडमिट हैं और हमें दुख है कि हम 2 लोगों को हमारे गंवा चुके हैं. और अगर हम देखें कि ये जो आज एडमिट है या फिर इससे पहले जो ठीक हुए हैं ये इनमें से पेशेंट है ये कहाँ से थे, तो इनमें से ज़्यादा लोग ये मुंबई में अत्यावश्यक सेवा देने वाले लोगों में से हैं. हमने 28 तारीख को ही नवी मुंबई के मेयर का बयान देखा कि जिसमें उन्होंने अपील किया है कि मुंबई में सेवा देने वाले जो लोग हैं इनको मुंबई में ही रहने की उनकी व्यवस्था की जाए. और मैंने 24 अप्रैल को इसके बारे में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा हुआ है और उनको यही मांग की है. आज हम लोग अगर देखें तो पनवेल में 90% जो पेशेंट है उसमें से या तो कोई मुंबई में हॉस्पिटल में काम कर रहा था, पुलिस में काम कर रहा था, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, बेस्ट, ऐसे अलग अलग जगह पे काम करने वाले लोगों को ही कोरोना हुआ है. हम सारे लोगों का सम्मान करते हैं, इनके परिवारजनों का आदर करते हैं, क्योंकि इनकी सेवा की वजह से ही कोरोना के लोगों को ठीक होने में मदद मिली हुई है. पर आज हम देखें तो मुंबई में पेशेंट की संख्या 5,657 है 28 तारीख की शाम तक. सबसे बड़ा रिस्क इन लोगों को है, सबसे बड़ा रिस्क इनके परिवारजनों को है, इनके पड़ोसियों को है. तो इस रिस्क के साथ हम कब तक रहेंगे? पनवेल के क्षेत्र में लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और अगर ये लॉकडाउन इसके लिए बढ़ रहा है क्योंकि मुंबई में सेवा देने के बाद लोग घर पर आ रहे हैं, तो इन सभी लोगों को थोड़े दिनों के लिए अपने परिवार से शायद दूर रहना पड़े, पर वो परिवार को सेफ भी रख पाएंगे. इसके लिए मैंने अपील की हुई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि इन लोगों को मुंबई में रहने की व्यवस्था की जाए. हम इंतज़ार करेंगे 3 तारीख को जब नेशनल लॉकडाउन क्लोज हो रहा है, उसके बाद में अगर हमारा लॉकडाउन पनवेल का बढ़ता है तो इसका जिम्मेदार शासन की व्यवस्था है. इस व्यवस्था को सुधारा जाए, यही हमारी मांग है. और अगर शासन इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेता तो 3 तारीख के बाद सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, बाकी सारा बंद रहेगा. तो हम कहते हैं कि मेडिकल सर्विसेज छोड़ के बाकी सारी सेवाएं बंद करने हम लोग अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम ऐसी सेवाएं अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बंद कर देंगे. इसके लिए हमें बाध्य ना करें और जल्द से जल्द इस मामले में निर्णय लें, यही हमारी मुख्यमंत्री जी से विनती है. धन्यवाद. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.